अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं सबके। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी स्किन केयर रूटीन और एच डॉट एस के फेशियल किट के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक वक्तन फवक्तन पहुंच सके। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी फेशियल की रूटीन। अच्छा, तो जिन लोगों को अपनी स्किन के साथ प्यार होता है ना, मैं पहले ही बता दूं, वो अपनी स्किन केयर रूटीन को हमेशा फॉलो करते हैं। गर्मी हो या सर्दी, आपकी स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है, और गर्मियों में आपकी स्किन बहुत डल हो जाती है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जिनको भी अपनी स्किन से प्यार है वो मेरे फेशियल किट को बाय करें। बाय करने के लिए आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, मेरे FB पेज को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं, आप उन पर जाएं और क्लिक करें एंड कम टू मी। ओके जी, ये फर्स्ट स्टेप हम यूज़ कर रहे हैं विच इज़ क्लिंजर, और ये आपकी स्किन को ना सिर्फ नीट करता है बल्कि वाइटनिंग भी देता है। और इसको आपने 5 to 10 minutes इसका मसाज करना होता है, और वो भी ठंडे वाटर के साथ। और मैक्सिमम कोशिश किया करें कि आपके हाथ जो है वो ठंडे रहने चाहिए। आपके इसको मसाज करने का वही है कि आपने स्किन को अपनी लिफ्टेड रखना है, अपने फेस को लिफ्टेड रखना है, आपने बिल्कुल भी उसको नीचे की तरफ लेकर नहीं आना, क्योंकि फेस का जो मसाज होता है, जितने भी मसल्स होते हैं फेस के, वो आपकी एज के साथ साथ नीचे की तरफ गिरना शुरू होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने हमेशा अपने फेस को लिफ्टेड रखना है, मैक्सिमम एक्सरसाइज करनी है अपने फेस की। बहुत सारी एक्सरसाइजेज को भी मैं लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी बताऊँगी। और ये देखें जी, मेरी स्किन आफ्टर वन स्टेप आप लोग देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन हो चुकी है, क्योंकि इसमें वाइटनिंग भी है तो ये आपकी स्किन को वाइट भी करेगा। मेरी जितनी भी प्रोडक्ट सब के सब ऑर्गेनिक होती हैं, किसी किस्म के हार्मफुल केमिकल्स उनमें ऐड नहीं किए जाते। आप देख सकते हैं कि मैंने इस टाइम लेंसेज भी वेयर किए हुए हैं, लेकिन आई एम श्योर कि मेरी प्रोडक्ट्स में कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ ही नहीं है जो मेरी आंखों को इरीटेट करेगी, मेरे फेस को नीट करेगी। मेरे फेस पे गर्मियों में भी ड्राइनेस रहती है, मेरे फेस पे सर्दियों में तो बेतहाशा ड्राइनेस हो जाती है। तो मुझे अपनी स्किन केयर रूटीन हमेशा से फॉलो करने का बहुत एक तो क्रेज़ भी है, क्योंकि आपकी स्किन अच्छी है तो आपकी हर चीज़ अच्छी ही नज़र आएगी। अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, फ्रिकल्स है, तो आप कुछ भी पहन लें, भावें 10,000 का जोड़ा पा लो, कोई तसल्ली नहीं होनी, ठीक है। इसलिए अपनी स्किन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि इसी की बदौलत आप खूबसूरत भी लगते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 2 के बाद मेरी स्किन मज़ीद सिल्की और स्मूथ हो चुकी है। अब मैं इसको रिमूव करूँगी। 5 to 10 minutes हर स्टेप का आपने मसाज करना है। स्टेप नंबर 3 पर मैं आई हूँ विच इज़ स्क्रब, और ये स्क्रब डलनेस को रिमूव करता है, डेड स्किन को निकालता है। और आइमेंट्स करती हूँ, बहुत ज़्यादा स्किन टेस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा तसली करके अपनी हर प्रोडक्ट को लेके आती हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी हर प्रोडक्ट से फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे विच इज़ मसाज, और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मेरी स्किन को डलनेस से और ड्राइनेस से हमेशा इसी ने बचाया है, और मैं इसका रात को डेली मसाज किए बगैर नहीं सोती, क्योंकि मुझे श्योर होता है कि सुबह तक मेरी स्किन क्लीन एंड क्लियर हो चुकी होगी। मैंने अपनी स्किन के स्टडीज़ पे बहुत टाइम और बहुत पैसा वेस्ट किया है, और फिर मैंने इस चीज़ों को लॉन्च किया है। तो मुझे स्किन से लेकर आपके सर की स्किन तक मुझे हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस है, मुझे हर एक चीज़ का पता है कि आपकी स्किन कहाँ से इरीटेट हो सकती है, कहाँ से ठीक हो सकती है, कौन सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ आप लोगों के अंदर हो रही है। मैं वो सब चीज़ें जानती हूँ क्योंकि मैं इसकी मुकम्मल स्टडीज़ कर चुकी हूँ। तो मेक श्योर किया करें कि जिस भी बंदे के साथ आप रब्ता करें उसको ये सारी चीज़ों की मालूमात हो, वो आपको अच्छा गाइड कर सके आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, हमारी आ गई है प्यारी सी प्यारी मेरी ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट, जो कि न्यू लॉन्च होने वाली है इंशाल्लाह ताला, और इस ईद पर हम करीब ही इसको लॉन्च कर देंगे। ये है जी टोटल ऑर्गेनिक होम मेड उपटन, ठीक है। इसमें कोई भी किसी किस्म का केमिकल बाजारी इस्तेमाल नहीं किया गया, ये मेरी टोटल खुद से तैयार की गई प्रोडक्ट है। और इसमें आपने 1 teaspoon सिर्फ ये लेना होगा उपटन, और 1 teaspoon आप योगर्ट लेंगे, और इसको 5 to 10 minutes के लिए आप रात को सोते वक्त अपने चेहरे पे अप्लाई करें, और उसको ड्राई होते ही रिमूव करें नीम गर्म पानी के साथ, और फिर सो जाएं। कोशिश करें कि अपना फेस वॉश ना करें,
और सुबह तक और इसके क्लीन होने के बाद आपके इसके रिजल्ट्स देखिएगा, आपकी स्किन स्मूदर हो चुकी होगी, आपकी स्किन की पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, आपकी स्किन से पिंपल्स रिमूव होते जाएंगे, ब्लैक हेड्स चले जाएंगे और आपकी स्किन क्लीन एंड क्लियर हो चुकी होगी। आप लोग मेरी स्किन देख रहे हो, मैं ये पूरा ट्रस्ट रखती हूँ कि हमेशा स्किन के ऊपर वो प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए जो कि ऑर्गेनिक हो, क्योंकि उनका सिर्फ फ़ायदा ही आपकी स्किन को मिलता है। अब मैंने आफ्टर 10 मिनट्स जैसे ही वो ड्राई हुआ मैंने रिमूव किया है और आप लोग मेरी स्किन पे इसका चमत्कार देख सकते हो कि ये किस तरह मेरी स्किन को वो क्लियरली शाइन कर रही है मेरी स्किन, और क्लियर भी हो चुकी है। तो आप लोग इसको देखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।